हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरीके से आपके पास में कढ़ाई हो या आपके पास में पैन, या इस तरीके से आप एक पैन या कढ़ाई यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और कढ़ाई में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसके बाद में ऐड करना है मिल्क। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क। आप कितने क्वान्टिटी में बना रहे हैं, आप कितने क्वान्टिटी में बना रहे हैं उस तरीके से आप यहाँ पे मिल्क को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर मिल्क लिया और मिल्क को हम अच्छे से पहले एक उबाल आने देंगे, उसके बाद में हम इसे मीडियम फ्लेम में कर दें। अच्छे से एक उबाल आ गए, अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, शुगर ऐड करना है। शुगर यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जितना मीठा आपको पसंद है उतना मीठा यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर मिल्क लिया है तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच शुगर ऐड किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर भी ऐड करना है तो मीठा हमें यहाँ पे कम ही ऐड करना है। उसी मिल्क में से मैंने थोड़ा सा मिल्क मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ था। अब हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे मैंने लिया है ये वनीला वाला कस्टर्ड पाउडर को ऐड करना है। डेढ़ चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। और थोड़ा थोड़ा करके इसे इसमें ऐड करते रहेंगे और इस तरीके से चलाते रहें। और फ्लेवर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रीन वाली इलायची को ऐड कर लें। कई लोगों को इलायची पाउडर पसंद नहीं होता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इस तरीके से चलाते रहेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और देखिए इसमें थिकनेस आना शुरू हो गया, ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारा कस्टर्ड मिल्क बन के तैयार हो गया। और हम कहेंगे इसी स्टेज पर गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। और ठंडा होने के बाद में आप इस तरीके से किसी टिफ़िन में या बर्तन में आप इसे इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लें और इसमें मन चाहे इस तरीके से फ्रूट्स को बारीक काट कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार हो गया। देखिए एकदम परफेक्ट और लाजवाब तरीके से यहाँ पे हमारा फ्रूट कस्टर्ड जो है वो बनके तैयार हो गया। ये कस्टर्ड फ्रूट हमारा बनके तैयार हो गया। देखिए ये देखने में जितना लाजवाब लग रहा है ये खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। अब इसे क्या करना है, अच्छे से इस तरीके से इसे ढक कर आप इसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दें और जब आपका मन हो आप इसे इस तरीके से बाउल में सर्व करके इसे खा सकते हैं। इन गर्मियों में आप बाहर से जब धूप में से इस तरीके से आएंगे बाहर से तो बस एक बाउल निकाल कर आप इस तरीके से इसे फ्रिज में से निकाल कर और इसका ढक्कन खोलें और किसी भी बर्तन में आप इसे इस तरीके से सर्व करके खा सकते हैं। इससे क्या है कि जो हमारी थकान है गर्मी में, हम जो बाहर से आएंगे जो हमारी थकान है वो थकान निकल जाएगी। ये देखिए एकदम हमारा जो कस्टर्ड पाउडर, ये जो हमारा कस्टर्ड मिल्क कस्टर्ड है बनके तैयार हो गया। देखने में जितना लाजवाब लग रहा है खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो। अभी घर पर इस तरीके से एक कस्टर्ड मिल्क घर पर बनाएं और घर आए मेहमानों को खिलाएं और मन चाहे इसमें आप फ्रूट ऐड करके आप इसे इस तरीके से बनाकर फ्रीज़र में ऐड कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं और इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको हमारे आज की ये फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नई से नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास में आएगी। आज की रेसिपी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ।